सब्सक्राइब करें पीकी साइबर प्लेनेट को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ अमन यादव। टुडे टॉपिक क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 8.1, क्लास 10, ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, एंड जस्टिफाई भी करना है क्यों ट्रू है एंड क्यों फॉल्स है। ये देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि इस बार आपको 40 क्वेश्चन जो है 40 या 30 क्वेश्चन आपको टिक करने वाले आएंगे। तो टिक करने का मीन्स MCQ आएगा, तो आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिए जाएंगे, जो आप कम से कम 30 सेकेंड एंड 1 मिनट में कर सकें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों को, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला जा रहा है हमें द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। हमसे कहा जा रहा है कि जो 10A की वैल्यू होती है, 10A की जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है, हमसे यही पूछा जा रहा है कि 10A जो है इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ट्रू है कि फॉल्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि बेस को 5 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर जो होता है उसे 12 ले लेते हैं, हाइपोटेनियस 12 ले लेते हैं। ये वैल्यू आपका कम ले लिया जाएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लिया जाएगा, इसको सॉल्व करके जो दो चीजें आपको दी हैं तो एक आप ले सकते हैं। तो लेट मान लिया कि जो हमारा हाइपोटेनियस और बेस दिया है आपको, यहाँ पे दिया गया है 12/5 दिया गया है, लेट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 10A का क्या होता है रेशियो जरा बताइए। तो 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 10A का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे अरेंज करके 12 कर देंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, किसकी वैल्यू, 10A की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, रेशियो इसकी 12 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5, 5 × 10 एंड 5 × 20, 2.4 ग्रेटर देन है 1 के। तो यहाँ पर ये बात आपका गलत ठहरा दिया गया कि नहीं, इसे कि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, नहीं होगा ऑलवेज लेस देन, क्यों नहीं होगा, रीजन है सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर वैल्यू परपेंडिकुलर अगर 12 ले लिया जाए और अगर बेस 5 ले लिया जाए तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन चला जा रहा है 1 से। तो इसीलिए रीजन यही लिखेंगे, ये तो वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई, गलत साबित कर दिया गया ना हमने कि सिर्फ 1 लेस देन 1 ही नहीं, ग्रेटर देन भी 1 होती है, इसलिए ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन लेस हमेशा नहीं होगा, ग्रेटर देन भी होता है। यहाँ पे लिख लेंगे 10A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 10A जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, रेयर केस में ही होता है कि कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन जब भी वैल्यू आएगी इससे क्या होगा, लार्जेस्ट ही होगा, 1 से क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे रीजन लिखा गया है बिकॉज 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा आपका फर्स्ट पार्ट। हम एक लेट मान लेते हैं कि 12/5 का बेस दिया है, आपका हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया कि 2.4 हमारी वैल्यू आ रही है, 1 से क्या हो रही है, लार्जेस्ट हो रही है, इसलिए 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर है। अब इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट इसका करेंगे, सेकेंड पॉइंट को ध्यान देंगे कैसे किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हमसे कहा जा रहा है कि sec a जो है इसकी वैल्यू आपको दी गई है 12/5। ठीक है, अब बताना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स।
अब ट्रू या फॉल्स कहने का मतलब है कि अगर से के लिया जा रहा है तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बेस और हाइपोटेन्यूस लेंगे तो हमारा अलाउ करेगा कि नहीं, अगर हमसे 12 दिखा रहे हैं से 5 दिखा रहे तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है तो देख लेते हैं से के रेशियो क्या होता है, हमारा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज हम बताने जा रहे हैं बहुत अच्छी चीज जो आपको बहुत काम देगा, इसमें दो क्वेश्चन उसी के बेस में सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जैसे हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है ये दो एडजेसेंट साइड होते हैं और इन दोनों एडजेसेंट साइड के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है, जस्ट अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड जो होता है ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये जो हाइपोटेनियस होता है आपका एडजेसेंट साइड से क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, जब ऑलवेज ग्रेटर देन होगा तो आपका ट्रू होगा यानी अप्लाई होगा, अगर इन दोनों से हाइपोटेनियस कम हुआ तो वहां पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस रीजन से अगर देखा जाए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है 12 और बेस क्या रहा है 5, तो देखा जा रहा है हाइपोटेनियस बेस से क्या है लार्जेस्ट है, तो यहां पे हम यही लिखेंगे ये क्या होगा ट्रू, क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं ना भाई हाइपोटेनियस बेस से क्या है ज्यादा है, तो ट्रू बिकॉज रीजन में लिखेंगे बिकॉज हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेट ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट साइड, या आप एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड। ओके हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट का आंसर, ये आपका क्या होगा ट्रू होगा, रीजन हाइपोटेनियस हमारा हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है एडजेसेंट साइड पे। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। ओके थर्ड पॉइंट, अब देखिए थर्ड पॉइंट में थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, बोला जा रहा है कि कॉस ए जो है हमारा इसे क्या हम कोसेकेंट बोल सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता जा सकता एंगल ए के फॉर्म में। ठीक है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस को क्या लिख सकते हैं कोसाइन, साइन को साइन, और आपका टैन का क्या होता है टेंजेंट होता है, कॉट का क्या होता है कॉटजेंट होता है, कोसेंट का क्या होता है ये कोसेकेंट का हो जाएगा आपका। ठीक है लेकिन कॉस और साइन के लिए नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, रीजन हम लिख लेंगे देखिए ये आपको समझ में आ गया कि इसे हम क्या बोलते हैं कोसाइन बोलते हैं, तो रीजन यही लिखेंगे सिंपल सी बात है, यहाँ पे रीजन आप लिख लीजिए, चलिए हम लिख देते हैं बिकॉज कॉस ए बिकॉज कॉस ए इज यूज्ड कोसाइन, तो साइन बिकॉज कॉस ए इज यूज्ड कोसाइन ऑफ एंगल ए ऑफ एंगल ए, कॉस ए जो होता है यूज होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के फॉर्म में कोसाइन सिर्फ यूज होता है कॉस ए के लिए लिखा जाएगा, कोसाइन को ही लिखा जाता है ना कि कोसाइन। ठीक है इसलिए फॉल्स होगा, रीजन हम ए दिखाएंगे। ओके अब इसके बाद आता है इसका फोर्थ पार्ट, इरेज कर दिया जाए, अब इसका फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है बोला जा रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कहा जा रहा है कि कॉट ए जो है क्या है कॉट और ए मतलब कॉट एंड ए का प्रोडक्ट है, जी नहीं फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, रीजन लिखेंगे बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल टर्म इज अ सिंगल टर्म, इट इज नॉट अ
प्रोडक्ट ऑफ कॉर्ड एंड ए, ठीक है। रीजन यही है कि कॉर्ड ए जो है वो एक सिंगल टर्म होता है, ना कि ये प्रोडक्ट होता है कॉर्ड और ए का, क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट चल रहा है 11th, और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 5 उसे हम लोग देखेंगे। वो तो और इजी है, सिंपल है, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाए थे सेम उसी बेस पे है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है आपको साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सब एंगल थीटा। बोला जा रहा है कि जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, 4/3 दिया गया है, तो क्या ये आपका ट्रू है या फॉल्स, सही है या कि नहीं, हमने आपको बताया। पहले हम इसका रेशियो देख लेते हैं, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आपको देखिए यहाँ पर हमने एक चीज सेकेंड में बताया था कि हाइपोटेनियस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है एडजेसेंट साइड के। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, हाइपोटेनियस से ग्रेटर है ना, तो क्या हो जाएगा सरासर गलत है, यानी इसका मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स, जब ये आपका फॉल्स हो गया तो हम रीजन लिखेंगे बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट साइड। ये हो गया आपका कि हाइपोटेनियस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है अपोजिट साइड पे, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। हाइपोटेनियस से हम देख रहे हैं कि लेस देन है परपेंडिकुलर की तुलना में, इसलिए क्या हो गया गलत यानी फॉल्स। सो फ्रेंड यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है, हम एक्सरसाइज 8.2 अगले वीडियो में देखेंगे। एंड सो फ्रेंड थैंक यू, एंड पीके साइबर प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।